वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में गुरुवार को मेजबान इंग्लैंड ने 5 बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम 27 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। अब रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के 43वें दिन गुरुवार को बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर मेजबान इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। मैच में टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत खराब रही और 14 के स्कोर पर उसके 3 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन इसके बाद स्टीव स्मिथ और एलेक्स कैरी ने टीम को संभाला और स्कोर को आगे ले गए। बाद में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 49 ओवर्स में 223 पर आउट हो गई और इंग्लैंड को जीत के लिए 224 रन का टारगेट दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने 85 और एलेक्स कैरी ने 46 रन बनाए। गेंदबाजी में इंग्लैंड की ओर से क्रिस वोक्स और आदिल राशिद ने 3-3 और जॉफ्रा आर्कर ने 2 विकेट लिए। जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया से मिले 224 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद शानदार रही। इंग्लैंड ने 32 ओवर्स एक बॉल में 2 विकेट के नुकसान पर 226 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीत लिया। इंग्लैंड की ओर से जेसन रॉय ने 85, जो रूट ने नाबाद 49 और कप्तान यॉन मॉर्गन ने नाबाद 45 रन बनाए। गेंदबाजी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस ने 1-1 विकेट लिए। मैच में ऑस्ट्रेलिया के 3 खिलाड़ियों को आउट करने वाले क्रिस वोक्स मैन ऑफ द मैच रहे। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड की टीम 27 साल बाद वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है। इंग्लैंड 4थी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है। इससे पहले 3 बार उसे फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। अब 14 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर मेजबान इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।